ऑपोजिशन करप्शन बचाओ मुहिम के लिए मजमा इकट्ठा कर रही है। वजीर इत्तला चिबली फराज कहते हैं कि फैमिली लिमिटेड कंपनी माल बचाने के लिए सड़कों पर आई है, जमहूरी हुकूमत है इसलिए जलसे करने की इजाजत दे दी। चिबली फराज ने ऑपोजिशन को चैलेंज भी कर दिया। नाकाम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत पर प्रेशर डालने की। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो उस जिना स्टेडियम को भरें, और अगर उन्होंने आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। आसिफ जरदारी की मुश्किलात में इजाफा। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस केस में नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट्स आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी टल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने 4 नवंबर तक कैप्टन सफदर को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने पेश होने के लिए दोबारा 1 माह की मोहलत दे दी। नवाज शरीफ के इश्तहार की रिपोर्ट अदालत में जमा। लेना लो, मेरा दिमाग ख़राब है और सुबह से मेरा दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। मैंने बोला जब दिमाग ख़राब है तो भाई आके टैबलेट लो ना उसकी। 190 रुपये लिखे में 240 रुपये मांग रहा था। हमने सब सामान छोड़ दिया। यही नहीं, आटा शॉर्ट हो गया आवाम की वजह से। शॉर्ट हो गया ना, लोग लेगा सारा आटा ना। आटा ही ना चाहिए, तब्दीली आ गई। आटा चीनी और दाल कीमतें सुनकर अवाम बेहाल। अपोजिशन और हुकूमत बयानबाजी करके असल मसाइल से तवज्जो हटा देती है। 20-25 छोड़ें, अब तो 50,000 कमाने वाले का भी गुजारा नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगु। बातें की थी, दावे किए थे कशकोल तोड़ दूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, IMF से ये नहीं दूंगा। IMF की एक एक बात पर अमल कर रहे हैं। कभी 3 रुपए की यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा करती है। और पाकिस्तानी नौजवान इलियास 13 मुल्कों के सयाहों को वतन की सैर कराने के लिए ले आए। पोलैंड, जर्मनी, ट्यूनिसिया समेत दीगर गैर मुल्की मेहमानों की नया दिन में आमद। बर्फ पोश पहाड़, हसीन वादियां, सब देखा और पाकिस्तान की सकाफत और मेहमान नवाजी के फैन हो गए।